साहिवाल से खबरें शामिल करते हैं, जहां पर चैनल ऑर्गेनाइजेशन और PHIMC के जेर एहतमाम यूनियन कौंसिल 11 कैथलिक चर्च अमातो कॉलोनी में चैनल थिएटर टीम की जानिब से सेहत कार्ड की आगाही पर अपनी तफरीही और मालूमाती ड्रामा पेश किया गया। ये स्ट्रेट थिएटर मैनेजिंग डायरेक्टर चैनल इलियास रहमत, मोहम्मद तैयब असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिकेशन PHIMC और पेरिस प्रेस फादर साहिद अगस्टीन की सदारत में मुनक्कद हुआ। स्ट्रेट थिएटर में सेहत कार्ड की आगाही, अस्पताल में दाखिला का तरीका कार, बीमारियों की तफसीलात, नए सेहत कार्ड पर इलाज करने वाले मुंतखब सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों की तफसील खूबसूरत अंदाज में बयान की, जबकि शनाख्ती कार्ड की अहमियत, डेथ सर्टिफिकेट फॉर्म, निकाह तलाक रजिस्ट्रेशन जैसे मौजूदात पर दही इलाका में आगाही फ्राहम की गई। इस मौके पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अशकनाज खोखर, बाबू आसिफ इकबाल, शमास नजीर, जहीरा वकार, विल्सन रजा भी मौजूद थे। चांद थिएटर टीम ने तफरीही प्रोग्राम के जरिए आम शहरियों को सेहत कार्ड का पैगाम पहुँचाया। थिएटर टीम में विक्टर मुगल, नईमून सिदरा, शमा शायगान, ग्राफ डिजाइनर और फोटोग्राफर ने शिरकत की। तफरीही मालूमाती आगाही प्रोग्राम में मैनेजिंग डायरेक्टर चैनल इलियास रहमत ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर कौमी सेहत कार्ड और शनाख्ती कार्ड के अजरा और दीगर सर्टिफिकेट्स की आगाही महम को आम करना उनकी अवलिन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि चैनल तफरीही प्रोग्राम्स के जरिए शहरियों को शौरी आगाही का पैगाम देना जारी रखेगा। मोहम्मद तैयब असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिकेशन ने खिताब करते हुए कौमी सेहत कार्ड के फवायद और तरीकेकार के मुतालिक तफसील से बताया। प्रोग्राम को हाजरीन ने बहुत सराहा और ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स मुस्तकबिल में भी होते रहने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकें।